गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? ओके, सो ये क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, हो गए क्या? फर्स्ट का आंसर अटेम्प्ट किया हुआ नहीं? किसी का आंसर नहीं आया? फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी से भी नहीं हुआ क्या? नहीं, प्रशस्त देखो, यहाँ पे इट इज सेइंग कि टू इंडियंस, टू अमेरिकन्स, फोर एंड फोर मेन ऑफ अदर नेशनैलिटीज, ऑल डिफरेंट। मतलब ये जो चार मेन है ये अलग अलग नेशनैलिटीज के हैं, ये चारों आर सीटेड इन अ रो, नंबर ऑफ वेज सो दैट नो टू मेन ऑफ सेम नेशनैलिटी आर टुगेदर। मतलब इंडियन और अमेरिकन साथ में नहीं होने चाहिए। मतलब जो दो इंडियंस है वो दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, दो अमेरिकन हैं वो दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। तो मैं एक इवेंट, एक डिफाइन करता हूँ, एक सेट डिफाइन करता हूँ जिसमें व्हेन टू इंडियंस आर टुगेदर, टू इंडियंस आर टुगेदर, और एक सेट बी डिफाइन करता हूँ जिसमें टू अमेरिकन आर टुगेदर, टू अमेरिकन आर टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे वी नीड टू फाइंड नो टू मैन ऑफ सेम नेशनैलिटी आर टुगेदर। मतलब ना तो इंडियंस टुगेदर एंड ना ही अमेरिकन टुगेदर। दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है ना ये। बेसिकली वी हैव टू फाइंड एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, विच इज एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए माइनस एन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट। अब यहाँ पे अपने को ये चार चीजें, यूनिवर्सल सेट ए एन ए एन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये तीन, ये चारों निकाल लें। देखो कैसे निकाल लें। यूनिवर्सल सेट एन यू क्या आएगा? तो यूनिवर्सल सेट अपने उसमें यूनिवर्सल सेट पे बोले तो जितने भी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, तो इन टोटल देर आर एट पीपल, राइट? टू इंडियन, टू अमेरिकन, फोर मैन ऑफ अदर नेशनैलिटी, सो यूनिवर्सल सेट विल बी 8 फैक्टोरियल। देन ए, व्हेन टू इंडियंस आर टुगेदर, सो दैट मीन्स आई वन आई टू, ए वन ए टू, देन पी वन पी टू पी थ्री पी फोर। आई वन आई टू मतलब इंडियंस, ए वन ए टू अमेरिकन एंड बाकी चार पीपल ऑफ अदर नेशनैलिटीज। तो व्हेन मतलब ए इज व्हेन टू इंडियंस आर टुगेदर, टू इंडियंस टुगेदर के कितने अरेंजमेंट्स हैं? देखो टू इंडियंस टुगेदर मतलब वही स्ट्रिंग मेथड, तो इन टोटल देर आर 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 फैक्टोरियल इनटू इनका इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो एन ए क्या आ गया? 7 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। फिर बी, बी के लिए व्हेन टू अमेरिकन्स आर टुगेदर, टू अमेरिकन्स आर टुगेदर, कैसे हो, क्या होगा इसमें?
इसका भी वही सेम, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड देन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंडियंस भी टुगेदर, अमेरिकन्स भी टुगेदर, तो इसका क्या आएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट? तो उसी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो कोई डाउट इसमें? डन हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें तीन है बस, क्या ए बी सी तीन हम सेट डिफाइन करेंगे ना यहाँ पे। अच्छा ये करो, चलो जल्दी ये वाला ट्राई करो, अभी खुद से करो, जल्दी करो। नहीं, प्रशस्त मिस्टेक है। थर्ड वाला जो टर्म है ना, ये 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं? अच्छा, बाद में, अच्छा तुम सही बोल, ठीक है ठीक है। प्रशस्त, ठीक है, करेक्ट, बाद में सही लिखा है ये 8 वाला।
जी इसमें क्या करें, एक इवेंट एक सेट डिफाइन करेंगे, ए जिसमें टू इंडियंस टुगेदर, टू इंडियंस टुगेदर, निशान सही है, टू इंडियंस टुगेदर, बी जिसमें टू अमेरिकन्स टुगेदर, एंड सी जिसमें टू चाइनीज टुगेदर। तो अपने को निकालना, सो दैट नो टू मैन ऑफ सेम नेशनैलिटी आर टुगेदर, सो वी नीड टू फाइंड एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा, माइनस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड देन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आएगा राइट। अब इसमें यूनिवर्सल, अब एक एक करके ये सारे टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट कितना होगा, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, 10 राइट, सो दैट विल बी 10 फैक्टोरियल, हो तो अपना नॉर्मल अरेंजमेंट सारी पॉसिबिलिटीज। एन ऑफ ए, ए ए मतलब इंडियंस आर टुगेदर, व्हेन इंडियंस आर टुगेदर तो ए वन ए टू एंड देन चाइनीज एंड देन वो डिफरेंट नेशनैलिटी वाले चार लोग, तो ये कैसे क्या आएगा ये, तो ये देखो कितने यहाँ पर अपने ब्लॉक्स हो गए, एंटिटीज हो गई, ये 9, सो 9 फैक्टोरियल इंटू इंडियन का इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ बी भी यही होगा सी भी यही होगा, बोलो एकदम सेम ही बनेगा ना, तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी तीनों यही होंगे क्या, तीनों की वैल्यू यही आएगी। हाँ जी राइट, अब ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंडियंस टुगेदर एंड अमेरिकन्स भी टुगेदर, इंडियंस टुगेदर एंड अमेरिकन टुगेदर, तो आई वन आई टू वो भी स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ए वन ए टू भी स्ट्रिंग से बांधा हुआ है एंड बाकी सब, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या मैं कह सकता हूँ बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए की भी यही वैल्यू आएगी, बोलो यस। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए सबकी वैल्यू यही आएगी, देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो दैट विल बी ए वन ए टू या ए वन आई टू सी वन सी टू, सबको रस्सी से बांधा हुआ, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर, सो ये कितना हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ओ सॉरी नॉट 5, 7, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटरनल इंडियंस का, 2 फैक्टोरियल इंटरनल अमेरिकन का, 2 फैक्टोरियल इंटरनल चाइनीज का, सो दिस विल बी 10 फैक्टोरियल माइनस 3 × 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है देखो क्लियर है क्या,
हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट डिरेंजमेंट में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगा करके हमें अरेंजमेंट्स करनी थी। हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग अलग कंडीशन था, राइट? तो और उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट्स निकाल रहे थे पॉसिबल, एंड एक पॉसिबिलिटी थी जिसमें कोई भी कंडीशन लगा करके हम, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहे एंड देन अरेंजमेंट्स निकाल रहे थे टोटल। डिरेंजमेंट को अगर मैं समझाऊं तो ऐसा समझेंगे कि डिरेंजमेंट है तो अरेंजमेंट ही, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन लगी हुई है। कौन सी कंडीशन? नेगेशन वाली कंडीशन। मतलब क्या है मेरा यहां से? आप ऐसा समझो कि जैसे लेट सपोज देर आर थ्री लेटर्स, हाँ तीन लेटर्स हैं मानो, और उनके तीन करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स है। तीन लेटर्स हैं एंड तीन करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स है। जैसे मान लो आपने एक लेटर लिखा टू पर्सन ए और एक लेटर लिखा टू पर्सन बी एंड एक लेटर लिखा टू पर्सन सी, एंड एनवेलप्स के ऊपर भी नाम लिखा कि दिस इज फॉर पर्सन ए, दिस इज फॉर पर्सन बी एंड दिस इज फॉर पर्सन सी। देयर आर थ्री लेटर्स। अब लेटर्स को एनवेलप में डालने का करेक्ट वे क्या है? कितने हैं? एक ही है, राइट? एक ही करेक्ट वे है ना कि लेटर जो ए के लिए लिखा है दैट विल गो टू द एनवेलप जो ए के लिए है, जो लेटर बी के लिए लिखा है दैट विल गो टू द एनवेलप जिसपे बी का नाम लिखा है, राइट? एंड सी के लिए भी ऐसे। बट टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है लेटर्स को एनवेलप में डालने का? टोटल नंबर ऑफ वे क्या है लेटर्स को एनवेलप में डालने? थ्री फैक्टोरियल, सिक्स। एकदम सही, थ्री फैक्टोरियल। बट डिरेंजमेंट कहाँ क्या होगा कि जो ये जो थ्री फैक्टोरियल यानी कि सिक्स टोटल अरेंजमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ वेज है,
उनमें से कुछ वेज ऐसे होंगे जिसमें एक भी लेटर अपने एनवेलप में नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिरेंजमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? डिरेंजमेंट का मतलब समझ आ रहा है कि कोई भी लेटर अपने एनवेलप में नहीं जाएगा, उसको डिरेंजमेंट बोलते हैं। जैसे इसी छोटे से एग्जांपल को समझे कि लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी एंड करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स है, एनवेलप ए, एनवेलप बी, एनवेलप सी। ठीक है, तो लेटर ए को मैंने एनवेलप ए में डाला, एनवेलप इसको एनवेलप बी में, इसको एनवेलप सी में। एक तरीका ये है, टोटल 6 वेज है, मैं 6 के 6 वेज जो है वो लिख रहा हूँ। तो एनवेलप ए, एनवेलप सी, एनवेलप बी, एनवेलप ए, एनवेलप बी, एनवेलप ए, एनवेलप सी, मतलब लेटर ए इसमें गया, लेटर बी इसमें गया, लेटर सी इसमें गया। देन एनवेलप बी, एनवेलप सी, एनवेलप ए, देन एनवेलप सी, एनवेलप ए, एनवेलप बी, एनवेलप सी, एनवेलप बी, एनवेलप ए। अगर आप इसमें देखो तो ये करेक्ट वे है ना? एक इसमें अब डिरेंजमेंट वाले कौन कौन से केसेस हैं, अगर हम देखें तो डिरेंजमेंट वाले केसेस कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला है, एंड देन नहीं ये नहीं है, इसमें तो सी सी आ गया ना मैच, ये नहीं है, ये है क्या? हाँ एक ये है, और कोई? एक ये है। हाँ तो ये दो डिरेंजमेंट वाले केसेस है। डिरेंजमेंट मतलब कोई भी लेटर अपने एनवेलप में नहीं गया, एक भी लेटर। ठीक है, क्लियर है, समझ आया डिरेंजमेंट क्या है? अब इसमें डिरेंजमेंट में देखो, ये तो चलो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था, 3 लेटर 3 एनवेलप, 4 हो जाए या 5 हो जाए या 10 हो जाए या 7 हो जाए तो कैसे करेंगे? वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा ऐसा। एक एक केसेस थोड़ी ना आप काउंट करेंगे, एक एक केसेस तो लिखेंगे नहीं। तो वही फॉर्मूला है कि यहाँ पे हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन विल ट्राई टू जस्टिफाई दैट, मतलब देखेंगे कि वो कैसे। आप लिखो, देर आर एन लेटर्स एंड एन करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स, देर आर एन लेटर्स एंड एन करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स, देर आर एन लेटर्स एंड एन करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स कैन बी प्लेस इन द एनवेलप्स so that no letter is placed in its own envelope. is equal to d n subscript में n, और इसको डी ब्रैकेट एन ऐसा भी लिख देते हैं। बेसिकली डिरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, डी एन मतलब डिरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एंड दिस इज इक्वल टू, इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इनटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल
माइनस वन की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल। माइनस वन की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल ये लिख लो एक बार जल्दी से, देन विल ट्राई इसको प्रूव करने का, ट्राई करेंगे। हो गया, ठीक ना? देखो ट्राई करते हैं। देखो एक तो आपको यहाँ पे ये शायद प्लस माइनस देख के समझ आ गया हो कि यहाँ पे क्या लगेगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ही प्रूव होगा ये। तो मैं एक इवेंट ऐसा डिफाइन करता हूँ ए आई, इवेंट सच दैट आईएथ लेटर is placed in its own envelope, in its own envelope, in its own envelope। तो बेसिकली जैसे A1 का मतलब कि फर्स्ट लेटर इन ओन एनवेलप, ये वो वाला इवेंट है। A2 मतलब कि सेकेंड लेटर इज इन इट्स ओन एनवेलप। A7 मीन्स सेवेंथ लेटर इज इन इट्स ओन एनवेलप एंड सो ऑन। तो जो डीएन आएगा दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड सो ऑन टिल इंटरसेक्शन AN कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आती है? हाँ जी, ठीक है, यही होगा ना डिरेंजमेंट के। भाई ना तो A1 इवेंट अकर करे, ना A2, ना A3, ना A4 एंड ना ही AN, सबका कॉम्प्लीमेंट अकर करे, तो उनका इंटरसेक्शन। सो दिस विल बी इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन टिल AN का होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसा सॉरी ऐसा बस इतना। दिस कैन बी रिटन एज एन ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन, इसका होल कॉम्प्लीमेंट, राइट? ये आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा। अगर आपको याद हो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ना, ए सॉरी नॉट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट? ऐसे ही होता। यानी कि ध्यान से देखना, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे कि पहले सिंगल मतलब सिंगल सिंगल वाले सारे एडेड, देन दो दो का इंटरसेक्शन वाले माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, देन तीन का इंटरसेक्शन वाले प्लस, देन चार का इंटरसेक्शन वाले माइनस, देन पांच के इंटरसेक्शन वाले प्लस एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। यही है ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन, बोलो।
राइट. सो दिस विल बी सिग्मा एन ऑफ ए आई माइनस सिग्मा एन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे प्लस सिग्मा एन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, राइट, एंड माइनस सो ऑन, राइट. यही आता जाएगा फाइनली. माइनस वन की पावर क्या आएगा, माइनस वन की पावर, या फिर इसको मैं एक काम करता हूँ, ये ब्रैकेट खोल के ही लिखता हूँ, ये माइनस, ये प्लस, एंड देन फाइनली क्या होगा, माइनस वन की पावर प्लस माइनस वन की पावर एन एन ऑफ ए वन इंटरसेक्शन, मतलब सबका इंटरसेक्शन, ए टू इंटरसेक्शन, सो ऑन टिल ए एन. क्योंकि सोचो जब यहाँ पे मैं यहाँ प्लस है, माइनस करूंगा तो ये माइनस आ जाएगा ना, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस दिस, तो माइनस आएगा. तीन के केस में माइनस आ रहा है, तो एक्चुअली में ऑड पे माइनस आ रहा होगा, क्योंकि इवन पे यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस आ रहा तो प्लस जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सही. तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है. अब यूनिवर्सल सेट, ये तो सिंपली एन फैक्टोरियल आ जाएगा, ये तो सिंपली एन फैक्टोरियल आ जाएगा माइनस. अब ये देखो, ये सिग्मा एन ए आई, सिग्मा एन ए आई का मतलब एन ए आई, जैसे एन ए आई, तो पहले तो ए वन निकालता हूं मैं, बस ध्यान से देखना, ए वन निकाल रहा हूं मैं, बस ए वन यहाँ साइड में कर दो, ए वन के लिए, ए वन, ए वन वाला इवेंट मतलब कि आईएथ लेटर इज इन इट्स ओन एनवेलप. अगर आईएथ लेटर अपने एनवेलप में गया, जैसे ए वन है, तो ए वन मतलब फर्स्ट लेटर अपने एनवेलप में गया, बाकी लेटर्स का अरेंजमेंट, वो तो सारा पॉसिबल अरेंजमेंट लिखेंगे ना फिर ए वन के लिए. ए वन का मतलब क्या है कि फर्स्ट लेटर इज इन इट्स ओन एनवेलप, तो नंबर ऑफ वेज बताओ, तो भाई फर्स्ट लेटर को अपने एनवेलप में डाल दो एंड बाकियों के लिए n माइनस वन फैक्टोरियल, ए वन यही आएगा, एन ए वन, यस और नो. ए टू में क्या होगा कि सेकंड लेटर को अपने एनवेलप में डाल दो एंड बाकी सारी अरेंजमेंट जो जो पॉसिबल है, तो वो भी n माइनस वन फैक्टोरियल ना. तो यहाँ पे ये कितने आएगा, तो दिस विल बी एन सी वन इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल. NC1 मतलब एक्चुअली सिग्मा एन ए आई है ना, तो सिग्मा एन ए आई वाले ये कितने टर्म्स होंगे वो लिखा है NC1 मैंने, कि कौन सा एक लेटर अपने एनवेलप में गया, कौन सा एक लेटर अपने एनवेलप में गया एंड बाकियों का अरेंजमेंट n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है. देन प्लस ये एन ए आई इंटरसेक्शन ए जे, इसका मतलब है दो लेटर ए आई और ए जे अपने एनवेलप में गए एंड बाकियों का टोटल अरेंजमेंट, तो कौन से दो लेटर अपने एनवेलप में गए एंड बाकी एन माइनस टू के लिए नॉर्मली एन माइनस टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई पूरा. फिर ये इसका क्या मतलब है, कोई कि कोई तीन लेटर अपने एनवेलप में गए तो कौन से तीन एंड बाकियों का एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, एंड ऐसा चलता जाएगा. एंड दिस विल बी माइनस वन की पावर एन, ये अगर मैं इसको लिखूं तो दिस विल बी कौन से एन, मतलब एक्चुअली वो तो खैर एन सी एन, उसके सारे के सारे अपने ही एनवेलप में चले गए, नंबर ऑफ वेज वन ही होगा, बट एक पैटर्न जो बन रहा है उसी को ही फॉलो करते हुए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन सी एन इंटू जीरो फैक्टोरियल, ठीक है. तो यहां से देखो क्या आएगा, दिस विल बी एन फैक्टोरियल माइनस एन सी वन को आई कैन राइट एन फैक्टोरियल बाय वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस दिस विल बी एन फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल बाय थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल माइनस वन की पावर एन n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल.
देखो अब ध्यान से ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे, सो दिस विल बी, और पूरे में से एन फैक्टोरियल कॉमन ले लूं तो 1 -1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल एंड -1 टिल -1 raised to n by n फैक्टोरियल। देखो क्लियर है क्या? डन। ओके क्वेश्चन करते हैं। देखो वी हैव 5 बॉल्स, 5 बॉल्स अलग अलग कलर की है, रेड ब्लू येलो ऑरेंज एंड ग्रीन, ठीक है, एंड 5 बॉक्सेस, वही रेड, ये भी अलग अलग कलर के हैं, रेड ब्लू येलो ऑरेंज ग्रीन। वी हैव टू पुट, वी हैव टू पुट द बॉल्स इनटू द बॉक्सेस वन इन ईच, हर एक बॉक्स में एक ही बॉल डालनी है, ठीक है। सो फाइंड नंबर ऑफ वेज सो दैट नो बॉल इज प्लेस्ड इन द सेम कलर बॉक्स, इन द सेम कलर बॉक्स, मतलब जिस जो जो बॉल का कलर है उसी बॉक्स उसी कलर के बॉक्स में बॉल नहीं डालनी है अपने को, तो कितने वेज होंगे? D5, ठीक है, सिंपल है ना, सीधा सीधा है, कुछ नहीं है इसमें, तो
D5 करना, पांच बॉल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग पांच बॉक्सेस हैं, ऐसा समझो ना। कोई भी बॉल अपने बॉक्स में नहीं डालना, तो D5 बस। D5 विल बी 5 फैक्टोरियल इनटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5। देखो इसको अगर सॉल्व करना है, पहली बात तो पहले दो टर्म्स तो बस वो जीरो ही है, उसका कुछ है नहीं। अब इनको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, ये एलसीएम लोगे क्या? नहीं, एलसीएम मत लेना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विल बी 5 × 4 × 3 माइनस 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल विल बी 5 × 4, देन दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 1। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, कैंसिलेशन होंगे ना। सो दिस विल बी 5 × 4 × 3 ना। हाँ, ठीक है ठीक है। सो 60 − 20 प्लस 5 − 1 दैट इज 44। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। सिक्स पीपल वेंट टू अ बर्थडे पार्टी दे लीव देयर कोट इन द लाउंज एंड पिक देम अप व्हाइल रिटर्निंग विदाउट सीइंग, बिना देखे कोट उठा लिए, ठीक है, आते टाइम वापस। इन हाउ मेनी वेज दे पिक अप द कोट्स व्हेन इन हाउ मेनी वेज दे पिक अप द कोट्स व्हेन फर्स्ट इज देर इज नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, तो कितने वेज हैं टोटल? अरे बोलो, सो गए क्या? सिक्स फैक्टोरियल ना, सीधा सीधा, कोई कंडीशन ही नहीं है, टोटल 6 फैक्टोरियल भाई, 6 कोट हैं, 6 पीपल हैं, कोट उठाएंगे कितने नंबर ऑफ वेज, टोटल 6 फैक्टोरियल। सेकंड, एवरी पर्सन पिक्स अप हिज ओन कोट, एवरी पर्सन पिक्स अप हिज ओन कोट। नंबर ऑफ वेज एक ही है, एक ही वे है।
हर एक पर्सन अपना अपना कोट उठा करके लेके जाएगा, एक ही वे है ना सुनो। थर्ड, नो पर्सन पिक्स अप हिज ओन कोट। नो पर्सन पिक्स अप हिज ओन कोट, इसका क्या आंसर? अरे जल्दी बोलो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डी के फॉर्म में बोलो। बिल्कुल सही, डी सिक्स। फोर्थ, एग्जैक्टली वन पर्सन पिक्स अप हिज ओन कोट, पिक्स अप हिज ओन कोट, एग्जैक्टली वन पर्सन पिक्स अप हिज ओन कोट। हाँ ईशान एकदम सही, बाकी बाकी ठीक नहीं है भाई। एग्जैक्टली वन पर्सन पिक्स अप हिज ओन कोट। नहीं सर्वेश, प्रशस्त नहीं। एग्जैक्टली वन पर्सन पिक्स अप हिज ओन कोट। तो सबसे पहले तो भाई एग्जैक्टली वन पर्सन पिक्स अप हिज ओन कोट ना, तो कौन सा वन पर्सन? तो वो जो एक पर्सन है जो अपना कोट उठाएगा उसको सेलेक्ट करेंगे 61 वेज में। अब उस वन पर्सन जो पिक्स अप हिज ओन कोट ना, उसके लिए नंबर ऑफ वेज वन ही है, अपना कोट उठा लेगा उसके लिए, उसके लिए तो उसके पास तो एक ही चॉइस है ना कि अपना कोट उठा ले। एंड बाकी बाकी जो पांच बचे उनका डिरेंजमेंट। गेटिंग? ठीक है, कोई डाउट इसमें? 61 मिस किया, ठीक है। देन एटलीस्ट थ्री पीपल पिकअप देयर ओन कोट। ये देखो एक बार, ये करो, पिकअप देयर ओन कोट। हाँ जी, क्या है? हाँ, ठीक है। एटलीस्ट थ्री पीपल पिकअप देयर ओन कोट, तो मैं इसमें एटलीस्ट थ्री ना, तो एटलीस्ट थ्री मतलब थ्री और फोर और फाइव और सिक्स, तो थ्री के लिए क्या आएगा? सो थ्री पीपल पिकअप देयर ओन कोट, तो कौन से तीन? उसके लिए उनके लिए एक ही ऑप्शन, एंड बाकी तीन के लिए D3। देन देन चार पीपल पिकअप देयर ओन कोट, फोर पीपल पिकअप देयर ओन कोट, तो 64, उनके लिए एक ही ऑप्शन एंड बाकी D2। देन फाइव पीपल, एग्जैक्टली फाइव पीपल पिकअप देयर ओन कोट, ऐसा पॉसिबल है क्या? कि एग्जैक्टली फाइव पीपल पिकअप देयर ओन कोट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये पांच लोग तो अपने अपने कोट ले गए और सिक्स अपना नहीं लेके गया, ये कैसे पॉसिबल ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली खैर, आप अगर 65 × D1 करोगे भी ना, तो D1 तो वैसे भी जीरो आने वाला, बट अपने को पता भी होना चाहिए कि हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पांच लोग अपना कोर्ट ले गए एंड सिक्स अपना नहीं लेके गया, उसके पास बचा ही अपना है, अपना ही लेके जाएगा ना। तो
भाई थ्री करेक्ट थ्री इनकरेक्ट, फोर करेक्ट टू इनकरेक्ट एंड देन सिक्स करेक्ट, तो वो वन ही आएगा राइट। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकता था वैसे, इसी को ऐसा भी कर सकते हैं, ऑल्दो ये वाला छोटा है, बट इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं कि देखो जो हमारा हमारा जो टोटल है ना, टोटल सिक्स फैक्टोरियल, उसमें अलग अलग केसेस होंगे कि वन करेक्ट टू करेक्ट थ्री करेक्ट ऐसा। हाँ तो सिक्स फैक्टोरियल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिक्स फैक्टोरियल माइनस डी सिक्स माइनस सिक्स सी वन इंटू डी फाइव माइनस सिक्स सी टू इंटू डी फोर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो क्योंकि सिक्स फैक्टोरियल बना होगा किस किस चीज से, ऑल नॉट करेक्ट, देन वन, देन टू करेक्ट, फोर इनकरेक्ट, थ्री करेक्ट, थ्री इनकरेक्ट, फोर करेक्ट, टू इनकरेक्ट, फाइव करेक्ट, वन इनकरेक्ट, वो तो खैर हो ही नहीं सकता, देन सिक्स करेक्ट राइट। ठीक है क्लियर है, ऐसा भी कर ही सकते हैं, ये टू करेक्ट, और ये अच्छा ये टू ही है ना, टोटल में से अनफेवरेबल सब्ट्रैक्ट किया है बेसिकली। ठीक है यहां तक कोई डाउट? ओके देन नेक्स्ट, देर आर सिक्स लेटर्स एंड सिक्स करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स, करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स हाँ, सिक्स करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स एंड लेटर्स को हमें प्लेस करना है एनवेलप्स में, तो नंबर ऑफ वेज टू प्लेस द लेटर्स सच दैट, नंबर ऑफ वेज टू प्लेस द लेटर्स इन द एनवेलप, प्लेस द लेटर इन द एनवेलप्स इन द एनवेलप्स सच दैट एग्जैक्टली टू लेटर, एग्जैक्टली टू लेटर्स आर प्लेस्ड इन देयर ओन एनवेलप, इन देयर ओन एनवेलप, क्या आएगा बोलो जल्दी? एकदम सही ईशान करेक्ट, सुदीप करेक्ट, सर्वेश करेक्ट, प्रशस्त करेक्ट, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? प्रशांत करेक्ट, एग्जैक्टली टू लेटर्स आर प्लेस्ड इन देयर ओन एनवेलप ना, तो कौन से दो, एंड उनके लिए नंबर ऑफ वेज टू प्लेस वन, एंड बाकी चार के लिए डी फोर, बाकियों का डी अरेंजमेंट ना, तो ये आ गया। नेक्स्ट करो, लेटर वन गोज टू द एनवेलप टू, मतलब मैं ऐसा मान लेता हूं कि लेटर वन का करस्पॉन्डिंग एनवेलप इज लेटर वन एल वन, एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव एल सिक्स, ये सिक्स लेटर्स है एंड इनके सिक्स करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स हैं ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स, तो एल वन का करस्पॉन्डिंग ई वन, एल टू का करस्पॉन्डिंग ई टू, ऐसा ठीक।
तो बोलता है कि L1 गोज टू E2, L2 गोज टू E3, ठीक है, L1 गोज टू E2, L2 गोज टू E3, ठीक, एंड नो लेटर गो टू इट्स ओन एनवेलप। L1 का बता दिया इसने कि L1 E2 में जाएगा, L2 का बता दिया कि L2 E3 में जाएगा, एंड कोई भी लेटर अपने खुद के करस्पॉन्डिंग एनवेलप में नहीं जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? सोचो एक बार, सीधा D4 मत बोलो, L1 E2 में जा रहा है, सोचो एक बार थोड़ा। फोर फैक्टोरियल नहीं, D3 नहीं, 62 D4 नहीं, D3 नहीं, 2 नहीं, तो 6 एनवेलप, 6 लेटर्स हैं। इनके 6 करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6। ठीक है, ये है, और नहीं, निशान नॉट करेक्ट। तो इसमें बोलता है कि L1 गोज टू E2 एंड L2 गोज टू E3 एंड नो लेटर गोज टू इट्स ओन एनवेलप। 4C1 × 3 फैक्टोरियल नहीं, ये भी नहीं, तो देखो यहाँ पे अगर मैं अब जो बच्चे हैं, ठीक है, L1 को E2 में डाल दो, कितना वे? 1 वे। L2 को E3 में डाल दो, कितना वे? 1 वे। अब L4, L5, L6 के तो करस्पॉन्डिंग एनवेलप E4, E5, E6 है, तो ऐसा सोचो कि अगर यहाँ पे L3 जो बचा है वो ना होता तो बहुत ही सॉर्टेड होता ना सब कुछ, D3 लिख देता मैं फिर, है ना। L3 अगर ना होता, L3 और E1 ना होते, तो L4, L5, L6, E4, E5, E6, सीधा सीधा D3 आ जाता। बोलो, मानते हो क्या? हाँ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं L3 और E1। तो एक स्टेटमेंट मैंने बहुत पहले बोली थी PNC, जब हम करना स्टार्ट ही किया था बस, कि जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करे ना, उसको या तो पहले सेटल कर दो, या फिर एक चीज और बोली थी, उसको सेटल कर दो, एक और चीज बोली थी कि जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना, वो केसेस बनवाएगी, वो केसेस बनवाएगी, ठीक है। तो यहाँ केसेस बनेंगे, और केसेस किसको लेकर के बनेंगे? जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है।
प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? L3। तो L3 को लेकर के केसेस बनेंगे। क्या केसेस बनेंगे? देखो ध्यान से भाई, जितने भी नंबर ऑफ वेज होंगे इसके, देखो जो भी ये कंडीशन, गिवन कंडीशन के जितने भी नंबर ऑफ वेज होंगे, एक बार L1 को A2 में डाल दिया एंड L2 को E3 में डाल दिया, उसके बाद अब जितने भी, अब L3, L4, L5, L6, इवन E4, E5, E6 ये बचे, तो जितने भी केसेस होंगे उसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। क्या? कि L3 या तो E1 में जाएगा या L3 E1 में नहीं जाएगा। सारे केसेस इन्हीं दो के अंडर आ जाएंगे। बोलो। तो अगर L3 E1 में चला गया, फिर उसके बाद क्या करना है? बस इनका D3 तो कर दूं। ये तो बचा फिर L3 को, अगर L3 E1 में चला गया तो बाकियों के लिए तो बस D3 है। देन प्लस अगर L3 E1 में नहीं गया, तो ये समझने की कोशिश करना कि ये L3, L4, L5, L6 बचे हैं एंड देन E1, E4, E5, E6 बचे हैं। अब बोल रहा है कि L3 E1 में नहीं जाना चाहिए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि E1 ना L3 का करस्पॉन्डिंग एनवलप की तरह बिहेव कर रहा है और L3 को अपने करस्पॉन्डिंग एनवलप में नहीं भेजना? ध्यान से सुनो फिर से, क्या मैं अब बोल सकता हूँ कि E1 L3 के करस्पॉन्डिंग एनवलप की तरह बिहेव कर रहा है एंड L3 को E1 में, मतलब अपने करस्पॉन्डिंग एनवलप में नहीं भेजना? तो अभी चार एनवलप है, चार लेटर है, चार करस्पॉन्डिंग एनवलप है, तो बस क्या कर दूं मैं? D4 कर दूं। हाँ जी, क्लियर है क्या? तो D3 + D4 आंसर। ठीक है, लिख लो जल्दी, देखो कोई डाउट है तो पूछो। D4 पार्ट में देखो, यहाँ दो केसेस बने ना, कि L3 डज नॉट गो टू E1, तो जो L3 गोज टू E1 तब तो D3 हो गया। L3 डज नॉट गो टू E1 में, अब ऐसा सोचो ना एकदम कि भाई L3 डज नॉट गो टू E1, तो L3 डज नॉट गो टू E1, L4 डज नॉट गो टू E4, L5 डज नॉट गो टू E5 एंड L6 डज नॉट गो टू E6, यही तो हुआ। तो इसका मतलब ऐसा ही तो हुआ कि भाई E1 L3 के करस्पॉन्डिंग एनवेलप की तरह बिहेव कर रहा है एंड L3 को E1 में नहीं भेजना। ये तो है कि L3 डज नॉट गो टू E1, तो E1 L3 का करस्पॉन्डिंग एनवेलप भी तो बन गया इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। मतलब ऐसा ऐसा बिहेव कर रहा है कि L3 का करस्पॉन्डिंग एनवेलप E1 मान लो एंड उसको उसमें नहीं डालना है। तो D4 चारों का डीरेंजमेंट हो गया। समझ आया क्या? ठीक है, हो गया सबका, हो गया। ओके, नेक्स्ट। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट, L1 गोज टू E2, L3 गोज टू E4 एंड वही नो लेटर गोज
इट्स मून एनवेलप, मून एनवेलप, नो लेटर गोज टू इट्स ओन एनवेलप। नहीं सर्वेश, नहीं सर्वेश, फिर से नहीं सोचो। नहीं प्रेशर्स नॉट करेक्ट। नहीं निशान, तुम्हारा मेंस का लेक्चर्स का अलग से क्लासेस लगा है क्या अभी इस वीक में? ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिर तो उसी में हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी में मैं नहीं कराऊंगा फिर उसको। L1 गोज टू E2, L3 गोज टू E4। E1, E2, E3, E4, E5, E6, ये ठीक है, ये है अपने पास। अब इसमें बोलता है कि L1 गोज टू E2, L1 E2 में गया एंड L3 E4 में गया। अब यहाँ पे देखो, जो नॉर्मल जो एकदम सही है जिसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा वो है ये। अगर बाकी चीजें ना होती, L2 L4 का प्रॉब्लम ना होता, ठीक है, L1 तो E2 में चला गया, L3 E4 में चला गया, बचा L2 L4 L5 L6। L2 L4 का प्रॉब्लम ना होता तो L5 L6 के लिए तो मैं सीधा सीधा D2 कर देता। तो प्रॉब्लम यहाँ कौन क्रिएट कर रहा है? L2 एंड L4। तो मैं L2 और L4 को लेकर के केसेस बनाऊंगा, ठीक है, L2 और L4 को लेकर के केसेस बनाऊंगा, सही है। L2 और L4 को लेकर के केसेस बनाऊंगा, तो क्या केसेस बनेंगे देखते हैं। L2 गोज टू E1, L4 गोज टू E3, एक ये केस, एक केस बनेगा।
एल टू डज नॉट गो टू ई वन, एल फोर गोज टू ई थ्री. एक केस बनेगा एल टू गोज टू ई वन, एल फोर डज नॉट गो टू ई थ्री. एक्चुअली यही है ना कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको लेकर के केसेस बन रहा है. एंड देन एल टू डज नॉट गो टू ई वन एंड एल फोर डज नॉट गो टू ई थ्री. अब इसमें आपको यही चार केसेस मिलेंगे और कोई नहीं होंगे. अब इसमें थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम होती है कि सर और भी केसेस हैं. आप सोचो थोड़ा, आपको पता चलेगा कि इनके अलावा और भी केसेस हैं. एक बार सोचो, हैं क्या? यस मतलब हाँ ठीक है. ये सर्वेश क्या बता रहा है? एल टू गोज टू ई वन, एल फोर गोज टू ई थ्री, ऐसा तो वो तो लिख दिया ना. अच्छा, एल टू गोज टू ई थ्री, एल टू गोज टू ई थ्री एंड एल फोर गोज टू ई वन, ऐसा. ध्यान से देखो, ये वाला केस इसमें कंसीडर हो जाएगा. हो जाएगा क्या? और कोई सोचो, सोचो अभी जल्दी. और कुछ ऐसा केस जो आपको लगता हो कि मैंने नहीं लिखा, कुछ मिसिंग है? ठीक है, और कोई केस मिल रहा है क्या? नहीं ना. हो सकता है आपको बाद में ध्यान आए, तो एक बार थोड़ा सोचोगे, पता चलेगा सारे के सारे केसेस इन्हीं चार के अंडर है. जैसे एक चीज ये दिमाग में आई होगी, एक्चुअली में ये इसी के ही अंडर है भाई. तो यही चार केसेस हैं. तो देखो इसको सॉल्व करते हैं कि एल टू गोज टू इवन एंड एल फोर गोज टू ई थ्री. अगर एल टू को मैंने ई वन में एंड एल फोर को ई थ्री में भेज दिया, तो बस यही बचा ना. फिर तो ये बस डी टू करना है मेरे को. हाँ, बस डी टू बचेगा ना, तो डी टू करना होगा. प्लस प्लस देखो ये वाला, एल टू डज नॉट गो टू ई वन एंड एल फोर गोज टू ई थ्री. एल फोर ई थ्री में चला गया एंड एल टू को ई वन में नहीं भेजना, तो एक्चुअली में ये कैसा बन गया? एल टू एल फाइव एल सिक्स, ई वन ई फाइव ई सिक्स. एल टू को ई वन में नहीं भेजना है, मतलब ई वन इसके एल टू के करस्पॉन्डिंग एनवलप की तरह बिहेव कर रहा है एंड उसको अपने करस्पॉन्डिंग एनवलप में नहीं भेजना, तो ये डी थ्री हो गया ना इनके लिए, तो नॉर्मली बस सीधा. यस है ना, ऐसा ही इसमें डी थ्री हो जाएगा. एल टू को ई वन में डाल दिया एंड एल फोर ई थ्री में नहीं जाना चाहिए, राइट? एंड अब इसमें इसका बताओ क्या लिखूं. एल टू ई वन में नहीं जाएगा, एल फोर ई थ्री में नहीं जाएगा, तो अब ये कैसा बन गया? अब एल टू के लिए एल टू ई वन में नहीं, एल फोर ई थ्री में नहीं, एंड एल फाइव एल सिक्स तो जाने नहीं है ई फाइव ई सिक्स में, तो चारों का डिरेंजमेंट होगा. तो आंसर क्या है? डी टू प्लस टू डी थ्री प्लस डी फोर. डी टू प्लस टू डी थ्री प्लस डी फोर.
डन। हो गया, कोई डाउट है सर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोल दो। हमारा ना एक छोटा सा, दो तीन छोटे छोटे एप्लीकेशन पार्ट भी बचे हैं, वो करेंगे इसके बाद। बट एक टॉपिक देखें तो ये लास्ट है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। एक तो पहले इसका रिजल्ट लिख लेते हैं, देन समझेंगे वो आया कैसे। कि x1, लेट्स सपोज वी हैव x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr इज इक्वल टू n, ठीक है? डायफेंटाइन इक्वेशन है। डायफेंटाइन इक्वेशन पता है क्या क्या होता? नहीं पता, कोई नहीं, छोड़ो, रहने दो। अपने पास ये एक इक्वेशन है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स आर इज इक्वल टू एन, ठीक है? आर वेरिएबल्स हैं एंड उनका सम मिला करके मेरे को एन मिल रहा है। तो इसका एक बार रिजल्ट लिख लो, समझेंगे मतलब क्या है एंड फिर समझेंगे कि आया कहाँ से। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटेग्रल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के, हाँ, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन विल बी एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। दूसरा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन विल बी एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है? मतलब क्या है इसका? कि जैसे आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पे दो नंबर्स x प्लस वाई या फिर x वन प्लस x टू ले लो भी, x वन प्लस x टू इज इक्वल टू थ्री। तो मुझे इसके इंटेग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। इंटेग्रल सॉल्यूशंस का मतलब एक्स वन और एक्स टू दोनों की ही वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है? अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नेगेटिव नहीं चाहिए, तो क्या क्या आएंगे? केसेस लिखते हैं, 0 3, 1 2, 2 1 3 0, ये चार केसेस आएंगे, राइट? अब नॉन नेगेटिव में तो ये चारों काउंट हो जाएंगे एंड पॉजिटिव में बस ये दोनों काउंट होंगे, ठीक है? पॉजिटिव में बस ये दोनों काउंट होंगे
एंड नॉन नेगेटिव में चारों काउंट होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे तो अपने को ये छोटी सी इक्वेशन एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू थ्री, इसके लिए आंसर निकालना था, तो मैं डायरेक्टली ऐसा भी कर सकता था, केसेस बना करके, केसेस बनाता एंड बोल देता नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसके कितने कितने हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस 4, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने 2, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है 2 ये दोनों। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगा, जीरो चलेगा, पॉजिटिव में जीरो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको मैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इसको इसका इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ ना कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स आर ऑल दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए मैं लिख सकता हूँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड अप टू एक्स आर ऑल ऑफ दीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, करेक्ट? पॉजिटिव में मतलब जीरो भी नहीं चलेगा ना, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस वो सब कौन कौन से 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर्स। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले की हेल्प से करूं, मान लो नॉन नेगेटिव नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर मैं इसके निकालने चलूं तो क्या आएंगे, एन एन यहाँ कितना है 3 प्लस आर, आर कितना है 2 माइनस वन सी आर माइनस वन, दैट इज ध्यान से देखो क्या आया 4c1 दैट इज 4। और इसी का ही पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने चलो तो n माइनस वन सी आर माइनस वन दैट इज 2c1 दैट इज 2। ठीक है, ये तो केसेस बना के कर लो या फिर ऐसा फॉर्मूला से कर लो, बट केसेस एक छोटी सी इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल कम है, सम भी कम है टोटल, उसमें तो चल जाएगा, बट जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो गए, सम ज्यादा हो गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो आपके सामने लिखा। तो ये लिख लो, हो गया, ये लिख लिया। इसके प्रूफ पे आते हैं, और इसका प्रूफ ना बहुत ही ध्यान से समझना, बिकॉज इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा भी हल्का सा भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही ज्यादा, बट हल्का सा भी अच्छा क्वेश्चन अगर होगा, है ना, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, हल्का सा भी अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसमें उसका आंसर फॉर्मूले से नहीं आएगा, उसका उसका आंसर निकालने के लिए हमें प्रूफ पर ही आना पड़ेगा, वापस स्क्रैच से प्रूफ में जो मेथड यूज करेंगे वही मेथड को यूज करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका प्रूफ है, तो ध्यान से देखेंगे। देखो अपने पास एक इक्वेशन है, पहले मैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव का बाद में। वी हैव एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एंड सो ऑन टिल एक्स आर इज इक्वल टू एन, ठीक है, ये लिख लेना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स आर दिस इज इक्वल टू एन। यहाँ पे एक बार मैं केसेस लिखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो केसेस बनेंगे सारे वो कौन कौन से होंगे। भाई एक केस आएगा जिसमें ये एन हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो, बाकी सब एक्चुअली में जीरो हो जाए। एक केस ऐसा आएगा जिसमें ये एन माइनस वन हो जाए, ये वन हो जाए, बाकी सब जीरो हो जाए। सम एन चाहिए ना अपने को, देखो इनका सम भी एन आएगा, इसका सम भी एन आएगा, राइट? एक केस ऐसा आएगा कि जिसमें ये एन माइनस वन हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये वन हो जाए, ये बाकी सब जीरो। अच्छा एक केस और लिख लेते हैं,
इनसे पहले एक केस ऐसा आएगा जिसमें ये जीरो, ये जीरो, ये एन, ये जीरो, ऐसा कुछ। मैं ऐसे रैंडम केसेस लिख रहा हूँ, ऑल्दो बहुत सारे केसेस होंगे। एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें ये टू हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये एन माइनस टू हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट। एक केस इनफैक्ट ऐसा भी आएगा जिसमें ये वन, ये वन, ये एन माइनस टू, एक ये जीरो, बाकी सब जीरो, है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, राइट। बस ये इंश्योर करना है कि सम एन होगा, ठीक है। तो ये सारे केसेस मेरे को क्या काउंट करने, यही तो करना है, बोलो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, मैं प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फाइंडिंग द नंबर ऑफ केसेस, मैं इसको एक दूसरे प्रॉब्लम से रिलेट करके प्रूव करूंगा कि उसका जो आंसर है, उसका जो आंसर आएगा उस प्रॉब्लम का, उस जो सिचुएशन का आंसर आएगा, वही आंसर इसका भी होगा जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इस इक्वेशन के। तो मैं एक नई प्रॉब्लम आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, एंड वो प्रॉब्लम क्या है ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ एक्स रेस टू जीरो प्लस एक्स रेस टू वन प्लस एक्स रेस टू टू एंड सो ऑन टिल एक्स रेस टू एन, एक ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट मैंने लिखा एक्स रेस टू जीरो प्लस एक्स रेस टू वन प्लस एक्स रेस टू टू टिल एक्स रेस टू एन, फिर एक और ब्रैकेट लिखा एक्स रेस टू जीरो प्लस एक्स रेस टू वन प्लस एक्स रेस टू टू एंड अप टू एक्स रेस टू एन। एंड ऐसे करते करते मैंने टोटल कितने ब्रैकेट्स लिख दिए, मैंने लिख दिए एन ब्रैकेट्स, एक्स रेस टू जीरो प्लस एक्स रेस टू वन प्लस एक्स रेस टू टू एंड सो ऑन टिल एक्स रेस टू एन। टोटल एन ब्रैकेट्स लिख दिए एंड सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और हर एक ब्रैकेट में क्या क्या लिखा मैंने, एक्स रेस टू जीरो, एक्स रेस टू वन, एक्स रेस टू टू एंड एक्स रेस टू एन तक, इन सबका सम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एकदम, मैं जब ये ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ये सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, यहाँ मैं इनको ब्रैकेट्स, ये बेसिकली जितने भी ब्रैकेट्स है ना, इन ब्रैकेट्स सबको ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। बहुत सारे टर्म्स आएंगे, मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्स की पावर एन वाले टर्म में, कि एक्स की पावर एन कैसे कैसे मिलेगा मेरे को। देखो एक्स की पावर एन, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स की पावर एन कब मिलेगा, एक केस होगा जब मैं, जब ये एक्स की पावर एन इसके जीरो से, इसके जीरो से, इसकी पावर जीरो, बाकी सब एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लाई हो, एक केस ये आएगा। सारे ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक केस आएगा कि इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, नहीं, या फिर ऐसा करो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका एन, बाकी सब का जीरो, एक केस ये आएगा, राइट। हाँ मानते हो, एक केस आएगा कि इसका एन माइनस वन, यहाँ पे लिख देता हूँ एन माइनस वन भी है, होगा ना इधर एक्स रेस टू एन माइनस वन। एक केस आएगा कि इसका एन माइनस वन, इसका वन, बाकी सबका जीरो, है ना। एक केस ही आएगा, एक केस आएगा कि इसका एन माइनस वन, इसका जीरो, इसका वन, बाकी सबका जीरो। एक केस आएगा कि इसका टू, इसका एन माइनस टू, एक्स की पावर एन माइनस टू एंड बाकी सबका जीरो, राइट। और ऐसे सब केसेस आते चले जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक्स की पावर एन, तो जैसे मान लो अपने पास यहां पे, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स की पावर एन के
अलग 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 केसेस बनेंगे, है ना, एक्सी पावर एन के अलग 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 केसेस बनेंगे एक्सी पावर एन के लिए। तो जैसे तो एक केस आया इसके करस्पॉन्डिंग, जैसे ब्लू के करस्पॉन्डिंग, फिर दूसरा एक्सी पावर एन एक्सी पावर एन एक्सी पावर एन, ऐसा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जैसे इनको मैं सम करूंगा तो के एक्सी पावर एन, जैसे मान लो यहाँ पे के केसेस हैं, तो जब फाइनली एड अप करके जब मैं लिखूंगा तो एक्सी पावर एन का कोफिशियंट यही होगा के, मतलब जितने केसेस हैं उतने ही एक्सी पावर एन का कोफिशियंट होगा। बोलो, कह सकता हूँ क्या मैं भाई, एक्स के पावर एन के लिए जो मैं ये अलग अलग केसेस बनाने की कोशिश कर रहा था, जितने भी केसेस बनेंगे वो उतनी बार एक्स के पावर एन आएगा, एंड फिर वो एड अप होके, अगर मान लो के केसेस बने तो वो एड अप होके के इंटू एक्स की पावर एन लिखा जाएगा ना। सही है क्या? तो यहाँ पे ऐसा, तो नंबर ऑफ केसेस फॉर एक्स के पावर एन विल बी इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स के पावर एन ना, इन इन ये पूरा इन एक्स रेस टू 0 प्लस एक्स रेस टू 1 अप टू एक्स रेस टू एन होल की पावर एन ना, एन ब्रैकेट्स, बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब रिलेट करते हैं इन दोनों को। क्या आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जितने केसेस एक्स की पावर एन के इसके बन रहे हैं उतने ही इसके बनेंगे? अगर आप थोड़ा सा सोचो तो जो मैं एक्स की पावर एन के केसेस ले रहा था वो मैंने यही वाले लिए हैं एग्जैक्टली। देखो एक बार, थोड़ा एरोज देखो, ये जो बनाए हैं येलो ब्लैक ब्लू, हाँ जी। तो जितने केसेस इसके होंगे उतने ही केसेस इसके है ना एक्स की पावर एन वाले, और इसके केसेस ही तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन है नॉन नेगेटिव। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटेग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव इंटेग्रल सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू किसके, ऑब्वियसली वो अपनी इक्वेशन के, विल बी इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू एन इन एक्स रेस टू 0 प्लस एक्स रेस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एक्स रेस टू एन का होल रेस टू एन। ठीक है, सही है। देख लो अभी भी इसको एक बार सोच लो अच्छे से सब लोग, एंड अगर कोई डाउट है तो पूछो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, स्किप नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा ना हो। आ वेट 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 वेट, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज यहाँ पे मैंने गलत बोल दी, ये ब्रैकेट्स जो है ना ये कितने ब्रैकेट्स हैं, आर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो ये पावर एन आएगा इधर, ठीक है, सॉरी एन नहीं आर ब्रैकेट से, तभी तो ये ऐसा, ये आर जाएगा ना एन 0000, ऐसे ही एन 0000, जितने वेरिएबल उतने ब्रैकेट, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज सोचना कि आईएथ ब्रैकेट, ऐसा इसको अगर मैं कोरिलेट जब करूंगा तो आईएथ ब्रैकेट करस्पॉन्ड्स टू आईएथ करस्पॉन्ड्स टू एक्स आई, ठीक है, एंड पावर ऑफ एक्स करस्पॉन्ड्स टू वैल्यू ऑफ एक्स आई,
मतलब जैसे यहाँ पे केस लिया ना हमने, यहाँ पे जैसे ये वाला केस लिया, ये वाला, ये n-1 देन 1 एंड देन 0 0 0, इसका मतलब क्या है कि जो पावर है n-1 फर्स्ट ब्रैकेट की, इसका मतलब x1 की वैल्यू n-1 है। ठीक है, बात समझ आ रही है? फर्स्ट ब्रैकेट में जो x की पावर मैंने कंसीडर की n-1, तो वो जो n-1 है वो फर्स्ट वेरिएबल मतलब x1 की वैल्यू है। ठीक है, तो पावर्स क्या करस्पॉन्ड कर रहा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, एंड ith ब्रैकेट करस्पॉन्ड्स टू एक्स आई। आर वेरिएबल थे उनके करस्पॉन्डिंग आर ब्रैकेट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इतना लिख लिया गया। इतना लिख लिया गया। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ये निकालते हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं ना, अभी तो हुआ कहाँ, अभी नहीं हुआ ना ये। तो ये कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू एन इन दिस, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू एन इन। अब ये क्या है, एक जीपी है, जीपी है राइट, तो जीपी का सम निकालते हैं पहले। तो ए इंटू ए, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो तो एक्स रेस टू 0 मतलब 1 है ना, इंटू 1 माइनस आर, आर इज एक्स आर रेस टू एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, n+1 ना, अपॉन 1 माइनस आर होल रेस टू ये आर। ठीक है, सो दिस विल बी कोफिशियंट ऑफ, वी हैव टू फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू एन इन 1 माइनस x^n+1 होल रेस टू आर इंटू 1 माइनस x^-r। सही है जी, क्लियर है? नाउ दिस विल बी कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू एन इन, कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू एन इन, इसको मैं बाइनोमियल के हेल्प से ओपन कर रहा हूँ इस वाले ब्रैकेट को, सो दिस विल बी 1 माइनस r c1 इंटू x^n+1 प्लस r c2 इंटू x^2n+2 माइनस r c3 इंटू x^3n+3 एंड सो ऑन टिल 1 माइनस x^-r। अब ये मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ये वाला ब्रैकेट ओपन करता हूँ, मतलब ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी कोफिशियंट ऑफ x^n इन 1 माइनस x^-r माइनस r c1 इंटू x^n+1 इंटू 1 माइनस x^-r प्लस r c2 इंटू x^2n+2 इंटू 1 माइनस x^-r माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, अब ध्यान से देखो एक चीज, एक तो सबसे बड़ा जो डाउट आपके को आ सकता है, पहले तो मैं वही क्लियर कर दूं कि जो 1 माइनस x^-r है ना, इसकी जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें x की जो है वो पॉजिटिव पावर्स ही आएंगी। क्यों?
ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1/1 - x की पावर r, ऐसा लिख सकता हूँ। फर्दर 1/1 - x, ध्यान से देखो, 1/1 - x को मैं 1 + x + x² + x³ अप टू इनफाइनाइट होल रेस टू r ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इनफाइनाइट जीपी का सम। अब इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो x की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ही आएंगी ना, मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि 1 - x की पावर - r में x की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है ना, ये फटाफट से लिख लो कहीं पे ना साइड में। तो एक्स की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगी इसके एक्सपेंशन में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स की पावर एन का मेरे को कोफिशिएंट चाहिए, पर अब होगा क्या कि जब अब इसमें तो पॉजिटिव पावर्स ऑफ एक्स ही आनी है। इस टर्म को देखो, यहाँ पे x^n+1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जब वो उसके हर एक टर्म से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मिनिमम मेरे को x^n+1 मिलेगा, राइट? बोलो, इसमें इसमें मिनिमम x^n+1 मिलेगा ना, इसमें मिनिमम x^2n+2 मिलेगा, फिर मिनिमम x^3n+3 मिलेगा। कहने का मतलब कि इन सब टर्म्स में x^n तो आएगा ही नहीं ना, तो x^n मेरे को कहाँ से मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? कोफिशिएंट ऑफ x^n इन 1 - x^-r, बस। एंड इसका एक रिजल्ट मैं भी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बाइनोमियल में किया होगा, वो आता है n+r-1 cr-1, और यही है ना आंसर। यही तो किया था, यही लिखा था ना मैंने स्टार्टिंग में। n+r-1 cr-1। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखो, अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद रखो, कोफिशियंट ऑफ x^n इन 1 - x^-r इज इक्वल टू n+r-1 cr-1। बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स जब करते हैं तो ये आ जाता है उसके हेल्प से। ये याद रखना है, लेकिन ये एकदम अच्छे से याद रखो, एकदम भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आप अब पीएनसी का ये स्टार्ट कर सकते हो, इन चैप्टर एक्सरसाइज कर लो, एक तो सारे इन चैप्टर एक्सरसाइज सारे कर लो, ठीक है? और एक्चुअली पूरी बुकलेट कर लो, अब आप पूरा हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे जो अटकेंगे वो देख लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा कल, तो पूरी बुकलेट कर दो, ठीक है? ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे कल। ओके देन, बाय।